यहाँ मोहन की सेवा करते हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री कल्लाश शर्मा जी, डॉक्टर श्री पी जे महाजन जी, डॉक्टर सुरेश कुमार नंदा जी, परिवार की तरफ से आगे सभी सहमान का परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पगड़ी होगी परिवार की तरफ से प्रार्थना, कोई भी किसी प्रकार का शगन ना दे, खासतौर पैसे का शगन ना दे। सब आप जो परिवार के साथ मानने के उपस्थित हुए हैं, परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंशनाथम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं च धरां शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्तिब्रह्मा शान्तिसर्वगम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम कस्तूरी तिलकमलाक्षी वक्षस्थली कौस्तुभम् मंगलम भगवन् मंगलाय स्तनो हरि। ओम शुक्लं ब्रह्म देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवज्रं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम बाकी
राजा दुनिया बसाई है मिट्टी की।
दुखों ने हमें चारों ओर से घेर लिया होता है। परिवार वाले भी कहना शुरू कर देते हैं कि प्रभु हमसे इसका दुख जो है सहा नहीं जाता, चाहे वो घर का मालिक ना हो, हे प्रभु इसे दुखों से छुटकारा दिलाओ, इसके आंसू दान दिलाओ, गौ दान कराओ। कहते हैं ना, अरे नहीं, सुख में उसका अगर श्रवण किया जाए दुख हमारे पास नहीं आ सके, याद रखना। नाम इतनी शक्ति है कि दुख हमारे पास नहीं आ सकेंगे, याद रखना। लेकिन हम भूल जाते उस प्रभु को जिसने हमें यह मानव योनि प्रदान की। उस समय को याद करो जब प्रभु के आगे हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, जीने प्रभु दीन बंधो। जब मां के उदर में होता है तो उल्टा लटका हुआ, गर्दन झुकाए हुए, कुंडलाकार शरीर, गर्दन झुकाए हुए मां के उदर में किस प्रकार, जिस प्रकार पिंजरे पक्षी बंद होता है, खेल उड़ नहीं सकता। अब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु दीन बंधो मुझे यहां से कब बाहर निकालो, मैं बाहर जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि बाहर जाऊंगा कुछ प्रकार के कर्म करूंगा। बाहर जाते ही हमारी मति जो है प्रभु प्रभु से जो पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, अरे बहाना क्या बना लेगा, वो तुमसे ही से आना है, आया है उसे एक दिन जाना होगा, लेकिन साथ में वो चीज लेके जाएंगे क्या, बाकी सबको रह जाने या धाम कर तुम काल मंगले, साथ क्या जाएगा, संग सखा सब तज गए हो। Yeah.
सत्संग विच जाके प्रभु चरना जिलाया करी, हरि हर नाम जपिन्या, हरि हर नाम जपिन्या, कछु न कहे जपकार, नानक मन तन सुखी बसे, अंत मिले गोपाल, भैनासन दुर्मति हरण, भैनासन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, राम नाम पुर में गयो जाके सम नहीं को होई, जेही सुमरत संकट में के गुरु दर्शन प्यार हो, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत ने दूजे श्री भगवान, हरे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर, के दिलों का भोला, दिलों का भोला सोच के विचार कर ले, के बिना राम बे किसे नियो कम आवनावी, सोने बाग के बगीचे नाग महल माड़िया, इस दुनिया दे विच छब जेड़े तड़पते ने अज तेरे प्यार अंदर ही, कितनी देर प्यार रहता है हमारा, कितनी देर संबंध रहता है इंसान के साथ, जब तक श्वास होते हैं, श्वासों के निकलते ही हमारा संबंध जो है वो छूट जाता है, हमारा प्यार जब छूट जाता है उसी समय में समय रख लेते हैं, कितना घर का मालिक होता है उसको हम एक घड़ी भी एक रात्रि को भी हम रखने को तैयार नहीं होते हैं, वही घर का मालिक होता है जिसके साथ कई वादे किए होते हैं, तेरे साथ जीऊंगा तेरे साथ मरूंगा, अरे उसी से हम डरना शुरू कर देते, किसी दिन तो ऐसा सोएगा
जगाए भी दिलो बाफला सोच दे विचार कर ले कोई मालूम है किसी ने काम नहीं आना तब कहेंगे चल ले चलो इस शरीर से तुझे लाग रही है तब उसी प्रभु को भूल जाते हैं जिसने हमें से क्या करे उठ जो न जपे दुरार कबीरा सूदा क्या करे उठ ना तू जपे दुरार तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपरा सच्चे भाव से अगर एक घड़ी आधी घड़ी तो कलयुग में भवसागर पार करने का यही सरल तरीका को स्वामी तुलसीदास ने बताया केवल नाम आधारा कल युग में सबसे आसान तरीका बता दिया द्वापर में वेदा में सतयुग में प्राण को ना जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ते थे उनका श्रवण करना चाहिए यही हमारे साथ जाने वाली वस्तु है Oh,
आज माँ का साया जो है बच्चों के सिर से उठ गया है, जैसा जैसा रिश्ता जैसा जैसा प्यार नाता पत्नी का पत्नी से भी छटाना बहुत ही बड़ा दुख, और साथी का चले जाना जो है बड़ा दुखदायी होता है। खासकर बिटिया जो है इनका लगाव मां से ज्यादा होता है, इनको दो राय नहीं मिल सके। ठीक है बेटे जितना मर्जी प्यार करता, लेकिन जो बिटियों का जो बेटियां मां शिष्य कर सकती बात कर सकती है वो पिता से भी नहीं कर सकती, क्योंकि मां का प्यार ऐसा कोई बल से बढ़कर कोई छाल नहीं होती, गर्दिश जो हो मुर्दा उसकी जाल नहीं होती। यूं तो लाख है मां के रूप, रघुपति मां से बढ़कर कोई मां नहीं होती। इसमें कोई दुराय नहीं है, वो बात चली गई। उस मां के लिए अदास यात्रा वंदना। तो आप सब देख रहे हैं कि सब डॉक्टर सब यहाँ उपस्थित हैं, कई बार भाषा दुख बांटने के लिए आए हुए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कर्ण अशोक सूरज जी से, उनके बेटे हैं, मां के पति श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे कर्ण अशोक सूरज जी। सबसे पहले तो ये दिन eldest of the siblings of Shri Krishnalal Ji Suri, our father, and Shrimati Santosh Suri, our late mother. It is my onerous responsibility to rise to this occasion and pay homage to my respected mother, who is no more with us, I had served in the army for 21 years, and thereafter I served with the Ministry of Defence and retired. I am here to go back in times to relive our early childhood. Times were tough then and resources meager. But our parents made sure by their sheer wisdom, hard work and ingenuity that all fine children get the best of education and they are brought up with equal love, affection, kindness and compassion. I, our mother, could never be harsh, but our father was tough with us and she was always a moderator in between, being a very soft and kind-hearted person. She has been an embodiment of softness, kindness, empathy, and a considerate human being of godly and pious nature. She was compassionate and helpful to the last person who came in contact with her.
she touched many hearts with her noble ways. She was mentally tough, strong-willed, and she loved life to the fullest. She always enjoyed the best food, the best fruit, and the best cereals on the TV. And that's what proves her fight for over more than 70 days with her illness in Tagore Hospital. I must bring it out to Dr. Ashti Suri's and Sujita's friends who know them pretty well. We live in Delhi. Our roots of family are from Muzaffarabad in Pakistan, occupied Kashmir, from where they had to flee after partition in 1947, when Pakistan, assisted by the tribals, raided their den, Muzaffarabad. My mother belonged to a very prominent religious and pious family of Muzaffarabad. Her eldest brother was a very prominent leader of his times. Her only living brother now, Dr. Shamlal Verma, has been the principal Jammu Medical College and director of Mathura Medical Research. Unfortunately, he too has not very good health. He came on the day of the cremation, he could not make it today. She was born in the year 1935 and engaged to my father before the raids in 1947. Got married in the refugee camp at Chinar at the age of 15. Life hadn't been easy for them to start their married journey. After initial disturbances in life, they finally decided to settle in Amritsar, as my father had joined railways and he found that Amritsar had a good educational environment, and which goes to prove that all five of us. I went away to the village Pilani. He made sure with whatever his legal resources was that I went to a very premier institute. My all brothers and sisters, Dr. Suman did her pediatrics, Dr. Ashwini did his surgery, Dr. Sajita did her gynae, Nina did her MSc microbiology from Guru Nanak Dev University. So he made sure that each one of us gets the best education. Mother has been instrumental in tendering, caring, rearing us. And as the time came, our parents got us married to respective partners from equally humble, simple, and accomplished background. I got married to Mohini. Dr. Suman was married to Dr. Somnath Sethi. Nina got married to Stantar Deshwar. Dr. Ashwini got married to Dr. Sagita. And Dr. Sarita got married to Dr. Rajan Mehra. Many of you must be knowing all my brothers and sisters, brother-in-laws and sister-in-laws who have been a part of medical fraternity in Punjab. By God's grace, our family generation next now has 9 grandchildren: Varun, Saurabh, Ridhima, Nikhil, Salil, Sneha, Arjun, Sayam, and Siddharth. Many of them live abroad. Great grandchildren, 9 great grandchildren: Rudra, Saptak, Maulin, Alap, Anaya, Lavanya, Khushi, Akira, and the latest one into our family, just a couple of days old, Arini. As for her legacy, her children have ensured imbibing of great qualities, good habits, right conduct, empathy, humbleness, and good character in well-regulated, homely environment under the personal influence of our Mamiji's guidance. She believed
that the lady of the house is always the bedrock to sustain religion and spiritual strength, peace and prosperity. No words or emotions can ever elevate the grief of one's mother's passing into her ages. With such a cohesive and strong family that she had created like ours, we are certain that she should be watching us from her throne of eternal peace and blessing us every moment, every day, and guiding us virtually. Our respected father, Shri Krishna Suri, has been a pillar of strength, strong character, not only for our family, but for the large extended family, brotherly of Muzaffarabad, in and around and Jammu. He has been a teacher of great human values that each of the siblings follow in their life. We all want him and pray that he stays strong, healthy, and wish him long, long life. At this juncture, our family expresses sincere and deepest gratitude to Dr. Mahajan, all senior doctors, staff nurses, supporting staff of Fatehgarh Hospital and Heart Care for all that care which is very difficult to describe in words that was extended to her in the hospital. It is unfortunate she was absolutely ready to get back home when the events that happened took her away from us. No words would suffice to sum up thankfulness and gratefulness of the family to Dr. Mahajan and to Tagore Hospital senior doctors, nurses. I, on behalf of my respected father, Shri Krishna Suri, and family, express a heartfelt gratitude to all of you who have come here to share our grief and pray for the departed noble soul. I close this with a very poet's visualization of a mother's love. The words are very subtle and please understand. More fragrance than the sweet smelling flowers, like the jasmine and the champa, softer than the cheese and the butter, more beautiful than the eye of the peacock, more pleasant than the moonlight, such is the love of her mother. And lastly, as we all know, death is the real truth of life. As Bhagavad Gita defines death, death is as sure for that which is born, as birth is for that which is dead. We all pray for granting her heavenly abode and resting her soul in peace. Om Shanti. In the meantime, we have received certain condolences, messages from Apahaj Ashram. Shri Prasen Kapoorji, chairman, has expressed his condolences to Suri family. And Indian Medical Association President Dr. Mukesh Gupta has also sent his Shradhajali. He says, I am in Jalandhar, extends deepest sympathies to Suri family. May the soul of Shri Santosh Suri be at peace with blessings of our members. उपस्थित श्री बलराज ठाकुर जी, काउंसलर श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, अजीत समाचार से श्री राज कुमार चौधरी जी, आगरा श्री बीपी शर्मा यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर श्री यश शर्मा जी, डॉक्टर श्री अनुराग चावला जी, डॉक्टर तलवार जी, डॉक्टर बत्रा साहब बत्रा जी जो कि यहाँ मौन की सेवा करते हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, श्री कंगार चंद्रा जी, डॉक्टर श्री विजय महाजन जी, डॉक्टर सुरेश कुमार नंदा जी, परिवार की तरफ से आगे सभी सम्मान का परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पगड़ी होगी परिवार की तरफ से प्रार्थना कोई भी
किसी प्रकार का शगन ना दे, हम तो पैसे का शगन ना दे, साथ आप जो परिवार के साथ मानने के उपस्थित हुए हैं, परिवार के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.